केवाईसी हमने करवा लिया है, ई केवाईसी भी करवा लिया है, पर यार हमारी तो अब किस्त रुक गई। और कोई कहता यार हमारी तो दो तीन किस्त आई थी वो बंदी हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि जो किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आती है वो कल रात, मतलब कितनी तारीख थी, कल 28 तारीख को रात 10 बजे मोदी जी ने डाल दी है 16वीं किस्त, और सभी किसान भाइयों के खाते में पहुंच भी गई है। अगर अभी तक आपके खाते में वो किस्त नहीं आई है तो मैं आज उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। उसमें आपकी क्या कमी रह गई है, क्या उसमें क्या दिक्कत आ गई है और आपको क्या करना चाहिए उसमें, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हाँ तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो भी किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आती है उसमें बहुत सारे किसान भाई अक्सर रह जाते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कहता है यार हमारी तो अब किस्त रुक गई, और कोई कहता है यार हमारी तो दो तीन किस्त आई थी वो बंदी हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, केवाईसी हमने करवा लिया है, ई केवाईसी भी करवा लिया है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये सब हुआ है तो आज मैं सबको क्लियर कर देता हूँ इस बात को दोस्त। हाँ तो दोस्तों अगर आप भी इस किस्त का फायदा उठाना चाहते हो किसान सम्मान निधि योजना का, तो दोस्तों सबसे पहले किसान के पास आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए जो आजकल सबके पास रहता है, और उसमें मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए ताकि उसमें बैंक में जो पैसा आता है उसका साथ ही साथ हमें अपडेट मोबाइल के जरिए मिलता रहे। और ई केवाईसी आजकल चल रही है, इसमें है का एक साल बाद केवाईसी करना पड़ता है जिससे हमारा जो आधार कार्ड है वो अपडेट रहता है, और अगर हम उसे नहीं कराते हैं साल में तो उसमें किस्त आने में तभी दिक्कत आती है दोस्तों, जब हमारी कोई एक दो साल तक हम उसमें कुछ भी नहीं कराते हैं, केवाईसी नहीं करा पाते, इसीलिए हमारी किस्त कभी रुक जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी भी अगर ये किस्त रुक चुकी है और आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप जनसेवा केंद्र जाइए, आधार कार्ड ले जाइए और वो आपका केवाईसी कर देगा। अगर आपका केवाईसी ऑलरेडी है और फिर भी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप जो है तहसील जाओ, अगर तहसील में भी आपका काम नहीं होता तो आप जिले में जाओ, वहाँ आपको पूरी सुविधा मिल जाएगी और आपको किसी को कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इस चीज़ का सॉल्यूशन जिप्सम में हो जाता है, किसी के बहकाए में ना आवे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका खाता सही होना चाहिए चाहे किसी का भी बैंक का हो, और आपका अगर खाता सही है, आधार कार्ड सही है और उसमें मोबाइल नंबर लिंक है तो आपकी जो किस्त आती है उसको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। बस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, अगर इसी तरह के आपको अगर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, धन्यवाद।